20 के लिए देखो हमने पत्थर रखा था इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। फोन तो आ गया, बंदे चाहिए भाई थी, ले लिया इसलिए काट देना। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, नया दिन नया व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं पल्सर एनएस 125 पे भाई ब्रेक टेस्ट। तो काफी बंदों का भी कमेंट आ रहा था, सर बाइक देखो भाई आप, ये अपनी जहर बीस्ट धन्नो पल्सर एनएस 125। तो भाई बंदे पूछ रहे थे भाई इसका ब्रेक टेस्ट करके दिखाओ, माइलेज का ही पूछ रहे थे, माइलेज के हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ब्रेक टेस्ट में हम भाई आज क्या सोच रहे हैं कि इसको 60 पे चलाएंगे, 60 पे ब्रेक एक लाइन खींच देंगे, 60 पे ब्रेक टेस्ट करेंगे कि कितना डिस्टेंस लेती है पैनिक ब्रेकिंग। सबसे बड़ी बात, जैसे आप चला रहे हो और आपके सामने गाय आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, तो एकदम से पैनिक ब्रेकिंग करोगे, पीछे की ब्रेक नहीं आगे की ब्रेक ही दबाते हैं बंदे। तो मैं पैनिक ब्रेकिंग करूँगा आज प्रॉपर 60 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे और ब्रीज की स्पीड पे। तो ये एक तरीके से जर्नल हो जाएगा कि बंदे इतना तो करते हैं, एकदम से कोई पैनिक ब्रेकिंग कोई सामने आ जाए तो खट से एकदम से ब्रेक दबा देंगे। तो आज पूरी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है कि अगर आपके सिचुएशन में ऐसे कुछ बन जाए तो कितनी दूर जाके आपकी बाइक रुकने वाली है। तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी, सबसे पहले अपने कैमरामैन से मिलवाते हैं। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? इंट्रोडक्शन दे दो भाई, रिपोर्ट डाल दो उसके चैनल। अरे भाई क्या बोलता है साला। और भाई अपना दूसरा भाई शिवम भाई उधर खड़े हैं, ये हेलो भाई। हेलो ब्रो। शिवम भाई की गर्लफ्रेंड का नाम है काट दिए काटना है भाई, ये तो डलेगा अब तो भाई। गर्लफ्रेंड का नाम है ये कट जाएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, आपसे मिलते हैं हमें डायरेक्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, फिर वहाँ से भगाते हुए लेके आएंगे। सबसे पहले हम 20 पे करेंगे, फिर 40 पे करेंगे, फिर करेंगे 60 पे पैनिक ब्रेकिंग, फिर देखते हैं कितना डिस्टेंस लेती है बाइक रुकने में। तो मिलते हैं भाई डायरेक्ट आपसे पैनिक, ओ सॉरी मोटर व्लॉग, मोटर व्लॉगिंग। तो भाई ट्रांजिशन देखो, सो भाई देखो ट्रांजिशन अपनी, देखो ये रही भाई अपनी, ये रही बाइक पल्सर एनएस 125। तो भाई आप इसका करने वाले हैं ब्रेक टेस्ट। सबसे पहले हम देखो करेंगे 20 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे नॉर्मल पैनिक ब्रेकिंग करेंगे, जैसे कोई आपके सामने आ जाए तो एकदम से आप ब्रेक मारोगे तो कितनी डिस्टेंस पे आपकी बाइक जाके रुकेगी। तो एक काम करते हैं आगे चलते हैं, मैं मोड़ के लाऊंगा, आगे से हार्दिक शूट करेगा, वो फुटेज निकालेंगे, बाकी मैं पैनिक ब्रेकिंग करूंगा, देखते हैं क्या डिस्टेंस बाइक कवर करती है। अरे भाई अभी कीड़ा आ गया। तो यहाँ से एक बार मोड़ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि 20 की स्पीड के लिए ज़्यादा भगानी तो पड़ेगी नहीं, नॉर्मल 20 पहुँच जाएगी, मैं इतनी दूर क्यों ही आ गया। तैयार हो जा भाई, देखो 20 तो ऐसे ही पहुँच भाई, अपना 20 पे मेंटेन करते हैं और येलो स्कूटी से ब्रेक मारने चालू करते हैं। ये तो भाई ये देखो ये, ओ भाई मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट करी है और यहीं पर रुक गई, तो 20 की स्पीड पे तो भाई बहुत जल्दी रुक गई। आप 40 करते हैं, ठीक है मैं यू टर्न करके आता हूँ, 40 करते हैं एक बारी। चालीस के लिए भी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा आई थिंक गाइस, हमें यहीं से 40 हो जाएगी, 60 पे थोड़ा हमें भगानी पड़ेगी तो 60 के लिए आगे जाएंगे। एक तो यार सबसे बड़ी दिक्कत एनएस 125 की हाइट का इशू आ रहा है। तो भाई 40 के लिए, 40 के लिए, भाई 40 के लिए हमने वहां से स्टार्ट करी है, यहाँ पे रुकी है। एक काम कर, यहाँ पे कुछ लाइन खींच दे 40 पे, पता रहेगा ना 40 पे, देख 20 पे यहाँ पे रुकी थी, 40 के लिए लाइन खींच दे कुछ। अरे नहीं नहीं कुछ खींच दे ना, अरे देख ये पत्थर है, नहीं रखेंगे नहीं गिर जाएंगे अभी आएंगे तो। अरे हो गया, देखो ये 40 है और हमारा 20 के लिए देखो हमने पत्थर रखा था इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, ओके ब्रो अभी देखते हैं 60 पे कितना रुकेगी। तो अब गाइस देखते हैं 60 पे कितनी डिस्टेंस लेती है रुकने के लिए। तो 60 के लिए हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा,
तो हम यहाँ से एक बार यू टर्न ले लेते हैं। तो भाई 60 काफ़ी दूर पहुंच गया हमारा, काफ़ी लंबा पहुंच गया यार, 60 के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस गया ना। लेकिन पूरी पैनिक ब्रेकिंग करी थी मैंने, पत्थर ही टूट गया हमारा, तो पत्थर ही टूट रहे हमारे। तो भाई 60 पे हमारी यहाँ पे लगी है। तो एक बारी आपको मैं कदम वाइज नाप के दिखा देता हूँ, इसको लगाते हैं साइड में। हाँ इतना ठीक है, इतना हो गया। तो भाई अपनी 60 पे यहाँ पे रुकी है एंड 40 पे यहाँ रुकी है एंड आपकी 20 में तो बहुत जल्दी रुक गई थी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हमने ब्रेक ऑलमोस्ट मारने स्टार्ट करी थी, तो एक काम करते हैं कदम वाइज आपको नापते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले भाई दूसरा ट्रांजिशन देखो, नॉर्मल वीडियो पे मोटो व्लॉगिंग सेटअप यहीं पर एंड होता है गाइज। तो 1 2 3 यहाँ से हमने करी थी, तो 20 की स्पीड पर देखो भाई, 1 2 2.5 कदम, ये देखो 2.5 कदम पे अपना 20 की स्पीड पे रुक गया था, ठीक है। और आप देखो 40 पे कितना रुका होगा, तो 1 2 2.5 हट जा मैं शूट पे जा रहा हूँ, चलो 3 4 5 6 7 8 9 कदम, तो 9 कदम पे अपनी 40 पे भाई रुक गई थी। और 60 के लिए भाई थोड़ा आगे चली गई, मैंने पीछे की ब्रेक भाई बिल्कुल अप्लाई नहीं करी है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो देखो 19 कदम, तो लास्ट 19 कदम पे भाई अपने 60 के स्पीड पे बाइक रुक गई है। मैंने सिर्फ आगे की ब्रेक अप्लाई की है, पीछे की बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करी, क्योंकि आप चला रहे हो आपके सामने एकदम से कोई आ जाए तो, अगर आपके पास डिस है तो आप एकदम से आगे की ब्रेक दबाओगे, पीछे की भी दबाते हैं, लेकिन मैंने अभी आगे की आपको अप्लाई करके दिखाया, पीछे की मैंने हल्की सी भी नहीं दबाई ब्रेक, और रिज़ल्ट आपके सामने है। 2.5 कदम, 9 कदम और उसका मैं भूल गया, अभी वीडियो में देख लेना। तो भाई यही कुछ आज की वीडियो थी, और इस टाइप का आपको कुछ और कंटेंट चाहिए हो तो भाई कमेंट डाउन कर दो, और इस वीडियो को कर दो भाई लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो। और अगर आपको कुछ रिलेटेड आपको कुछ और कंटेंट चाहिए हो तो बता दो भाई, वैसा कंटेंट आपके लिए ले आएंगे। और भाई मैं भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कर चुका हूँ, लेकिन भाई वीडियो के लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, भाई का फोन आ गया है नया, भाई दिखा दो यार एक बार। तो भाई नया फ़ोन कौन सा है, 14 आईफोन 14 बजट के अंदर है, बजट के अंदर भाई, तो भाई 14 लेके आ गए, बर्थडे सरप्राइज, बर्थडे गिफ्ट खुद ही लिया, गिफ्ट कौन देगा, खुद ही लिया, खुद ही देना पड़ता है भाई हमें अपने आप को, गिफ्ट कौन देगा भाई, देता कोई नहीं है। तो भाई सेल्फ परचेज, मेरे को ना एक कमेंट है, मतलब मैं आपकी वीडियो में ही करूँगा डायरेक्ट, मुझे ना एक पूछना है कुछ कि भाई बाइक चलाते टाइम कि कुछ बचाव कैसे करने हैं, किस चीज़ की, जैसे कि मान लीजिए अगर वीडियो बनाते टाइम या फिर वीडियो शूट करते टाइम या फिर हम नॉर्मल बाइक चला भी रहे हैं, तो हमारा मुंह वगैरह फूटने से कैसे बचे, हम मुंह फूट, हेलमेट पहनो भाई, हाँ हेलमेट पहनो, गिरने से कैसे बचे, आराम चलाओ। तो भाई ब्लॉग कैसे बनाओ। तो मतलब ब्लॉग बनाने का, वो चैनल बनाने का इरादा है क्या, और भाई वो वैसे बंदी अगर बिठानी हो तो क्या करें भाई, उसके लिए अच्छी गाड़ी लेनी पड़ेगी क्या भाई, हमारे लिए आईफोन तो ले लिया, आईफोन तो आ गया भाई। तो भाई ये जो मैटर भाई ने बताया ना, पॉइंट बताया, काफ़ी सीरियस वाला पॉइंट है, सुनने वाला पॉइंट है। तो भाई का पॉइंट है गिरने से कैसे बचें, ठीक है, और बंदी कैसे पटाए, बंदी कैसे पटाए, ये पॉइंट कट कर दिया जाए भाई, ये पॉइंट कुछ नहीं है, फोन तो आ गया, बंदी चाहिए भाई, ले लिया इसको ले काट लिया। देना ये डलेगा भाई, ये डलेगा, ये कटेगा नहीं। तो भाई यही कुछ आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसे कुछ आपको कंटेंट चाहिए तो भाई कमेंट डाउन कर दो। डिस्क्लेमर है भाई, ऐसी वीडियो भाई मत बनाना, अगर बना रहे हो तो भाई सेफ्टी वाइज बनाना। पैनिक ब्रेकिंग मैंने करी, मैंने उतनी करी कि मेरे को लगा कि भाई आप एकदम से नहीं बिल्कुल दबा दो, बिल्कुल दबा दोगे तो भाई पीछे वाला पहिया उठ जाएगा, कदम पे रोकी है इतनी स्पीड पे, हाँ तो मैं इससे भी पहले रुकूंगा, तो भाई वो मत करो,
पैनिक के चक्कर में बाइक स्किड हो जाएगी क्योंकि आगे वाली ब्रेक है, और स्किड हुई तो भाई आपके भी लगेगी, बाइक की भी लगेगी। उतनी लगाओ कि बाइक रुक भी जाए और अपने को भी दिक्कत ना हो। आप तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आप फिर आप जाओ, तो बाइक यार बाइक फिर वैसे की वैसे स्क्रैचेस रह जाएंगे उसके अंदर। बाइक ठीक हो जाएगी, मेन अपनी वो है। अब भाई मेरे टांग टूट जाए, ये बाइक को ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे को कुछ भी हो जाए भाई, बाइक नहीं होनी चाहिए कुछ, वो अलग अलग है भाई बंदे का। लेकिन भाई सेफ्टी फर्स्ट, भाई हेलमेट पहनो, ग्लव्स वगैरह पहनो, ज्यादा मैंने तेज भी नहीं चलाई। इफ यू वांट टू राइडिंग हाई स्पीड, हाँ इफ यू वांट टू राइड ऑन हाई स्पीड, तो भाई ये चप तो भाई मतलब कंपलसरी है, इसके बिना तो भाई हाई स्पीड जाओ मत। नॉर्मल 125 जो बाइक्स होती हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो हमारी खाली नॉर्मल कॉमर्शियल के लिए होती है, ना कि रेस लगाने के लिए। तो कभी कोशिश ना, डेली कम्यूट, डेली कम्यूट, यस 125 डेली कम्यूट के लिए होती है। ज़्यादा तो आप चलाओगे तो फिर इंजन में फर्क आ जाएगा, है ना, कभी कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है, डेली कम्यूट के लिए होती है। तो ज़्यादा कुछ भगाओ मत बाइक, बाइक इतना। तो भाई करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और थैंक यू सो मच गाइस, हमारे वन के कंप्लीट हो गए। कमेंट के लिए पत्थर फेंक के मारना, कमेंट के लिए तो पत्थर फेंक के मारना, कमेंट के बाढ़ लगा देना। और भाई थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, वन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे, मौज काटते रहेंगे भाई। तो बाय बाय गाइस, दिल में बज जाओ हमारे।